लैंग्वेज में जो मंदिर को घूम पा जो आपने पहन रखा है उसको क्या बोलते हैं? इसकी टाइमिंग क्या है बेसिकली? मॉर्निंग कितने बजे ओपन होता है? 8 AM to 8 PM. ठीक है, मैं करना नहीं रहा। मैं कल शाम को आपने देखा हूँ पहुंच चुका था, लॉस में स्टे किया था कल रात को, उसी कैंप पे वहाँ तक जाना है मुझे। वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से 15 मिनट लगते हैं। इसे यू कैन सी के देयर ब्यूटीफुल सा ट्री लगा हुआ, साडे पंजाब ते नू सफेदा कह देंदे यार, पता नहीं आपके उसमें क्या बोलते हो। ये है प्रेमा भाई। हाय, ये हमारा लकी साइन। लकी साइन ना? सिवन। ओके ठीक। कि एक गिफ्ट शॉप है यार, जो पूरी की पूरी तिब्बत की यार बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओ तो ये सारी चीज़ें जो हैंडमेड है, ये जितने भी बाउल्स हैं ना, ये देखो कितने ब्यूटीफुल हैं यार। यहाँ पे तिब्बत की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो इनका मंत्र है, ओम मानी पे मैं हूँ, सुखी हो जाएगी। ये बस मैं जा रहा हूँ रिफ्यूजी कैंप के लिए। एक सेटलमेंट है जो तिब्बत के जो लोग थे उनको इंडिया ने शटर दिया था। तो जनाब ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं उस कैंप के पास, जो जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, काफ़ी टिपिकल सा है यार। तो बेसिकली जनाब पूरे वर्ल्ड में 75 सेटलमेंट्स हुई हैं अभी तक, उनमें से 45 इंडिया में हुई हैं, और वो 45 में से ये एक सबसे पुरानी वाली सेटलमेंट भी कुछ पूछने लायक है। मैं इसीलिए उनके पास जा रहा हूँ कि वहाँ का देखूँगा क्या उनकी सोच है, वो लोग कैसे हैं, उनसे बातचीत करने में कैसे रहता है, वहाँ की ट्रेडिशनल क्या है, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज क्या है, वो उनकी जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है, और वो क्या अभी भी तिब्बतियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये सारे मेरे मन में सवाल है, आई होप कि आपके मन में भी होंगे, तो आपको एक नई जानकारी हमेशा मिलती रहती है यार। तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगता है। तो जनाब ये वाली जो आप फ्लैग देख रहे हो, बेसिकली इनके ऊपर तिब्बतियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, वैसे मुझे तो नहीं पता लग रहा है क्या लिखा हुआ, बट हाँ इतना पता है कि तिब्बतियन लैंग्वेज में इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आप जैसे कि आपने पीछे उस खेत में देखा था, उसके आसपास में बाढ़ कर रखी, तो यहाँ पे भी वैसी बाढ़ कर रखी, जैसे तिब्बतियन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट वो पता नहीं चल रहा, वो आसपास में कोई है भी नहीं। देखिए कि मैं किसी से पूछा तो सर क्या आप बता सकते कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? जब आप जिंदा रहने के टाइम में हाँ, जो भी पाप सब किया है ना, ओके, हत्या सत्या जो भी किया, हाँ हाँ पाप किया, वो पाप को काटने के लिए, हाँ हाँ जो मरने के बाद पाप को काटने के लिए ये हेल्प करेगा, मैंने उसको ओके उसको नरक में जाने के टाइम में हाँ हाँ वो पाप को माफ कर, हाँ ठीक है, देता है मैंने सिस्टम का है। ओके तो मतलब मुख से बोलने के टाइम में ना हाँ हाँ एक ही लगेगा, लेकिन आपको लिखने के टाइम में हाँ अलग होगा। ओके जैसे हिंदी में ना हाँ हाँ का खा गा गा हाँ 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 बोलते ना, तिब्बती में भी का खा गा गंगा बोलते हैं। अच्छा सेम ही बोलते हैं वैसे, पर लिखने में अलग होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंगा सिंह। कुंगा सिरिंग। सिरिंग। ओके थैंक यू सो मच। बहुत छेटिन बोलते हैं ना, छेटिन बोलते हैं। मत बोलो, वीडियो मत बनाओ। अभी मैंने बताया कि तू ये वाला जो है ना हाँ, इसको लगाएंगे ना हाँ, तो छोटा मोटा घटना नहीं होती। ये कहीं भी, जब इसे कार में भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते, कहीं भी लगा सकते, बाइक में भी लगा के जाते हैं ना लोग। एक आपको अच्छी सजेशन देना चाहता हूँ, वैसे मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है। अब जब भी कहीं नई जगह पे जाते हो ठीक है, तो आपको आप मास्क लगा के जाओ यार। ये आज की बात है, या आज से 2 साल बाद आप वीडियो देख रहे हो, तो आप मास्क हमेशा लगा के जाया करो यार। उसमें क्या होता है, आपकी भी सेफ्टी होती है, और जो फ्रंट पे पर्सन आपके बारे में देख रहा है, सुन रहा है, तो उसकी भी मतलब सेफ्टी होती है, तो वो इग्नोर नहीं करेगा आपको। तो ये वाले जो आप ट्रीज देख रहे हो, इनकी फार्मिंग होती है यहाँ पे मोस्टली, और यहाँ पे हर जगह पे ये वाले फ्लैग्स आपको मिल ही जाएंगे।
ठीक है, जैसा कि आंटी ने आपको बताया कि इसका रीज़न है जो क्यों लगाते हैं, और ऐसे मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस में कोई कोई घर है, जैसे कि ये वाला है इसके पीछे कोई नहीं है, और ये वाला इस साइड दो तीन घर है, तो ऐसे करके थोड़ा डिफरेंस है, और इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कुछ घर को नंबर वन एरिया में बोला जाता है, नंबर टू में, कोई तीन में, चार में, पाँच में, छः में, ऐसे ऐसे। वाला एक कम्युनिटी हॉल है जिसपे लिखा है कैंप नंबर चार, इसका मीन्स कि मैंने जैसे आपको बताया कि पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये कैंप नंबर चार। तो मैंने तीन चार घर तो ऐसे देखे जो क्लोज पड़े हैं यार, उनको मतलब ताला लगा हुआ है, इसका रीज़न मुझे अभी तक फिलहाल पता नहीं चला है। क्योंकि मैंने लोकल लोगों से पूछा तो बताया जाता है कि यहाँ पे पांच कैंप है बेसिकली, तो इस साइड मेरे स्टार्टिंग होती है फाइव नंबर से, जैसे हम रोड से आए तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके इनके कैंप के नाम है। तो यहाँ पे मेरे साथ एक लोकल सर हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या कैन आई सी योर होम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कल्चर देखना अंदर से कैसे रहते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मज़ा एक अलग ही है यार। तो ये फार्मिंग करनी है अपनी, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कैसा माहौल होगा और क्या चीज़ हमें नहीं मिलेगी। अरे खड़ा था तब इन्होंने बोला कि आप अंदर आ सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताशी दोरजी है। ताशी दोरजी, ओके। तो आपने, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मेडल्स और बहुत सारे आपने अचीवमेंट कर रखी है, तो ये वन बाई वन ये क्या है? ये जो है हमारा आर्मी में आपको मेडल मिला था, ओपी विजय का। ओके, और ये वाला कंपनी किया था, ये जो है मैं जब रिटायर हुआ था फ्रंटियर फोर्स। ओके, और हुआ था वो प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट दिया अपना बटालियन के नाम से। हाँ, ये जो है रिटायर हुआ था तो कमांडेंट की तरफ से प्रेजेंट दिया है। ओके ओके, तो जनाब इन्होंने अभी हमें चाय ऑफर की है, इसके बाद थोड़ी सी और बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद ये इनका प्यारा सा उसे इसको अच्छे से देखते हैं। अच्छा, तो ये तस्वीर लगी हुई है दलाई लामा की, आप क्या मतलब क्या है दलाई लामा और कैसे आप पूछते हो क्या है? दलाई लामा हमारा एक राजा और गॉड किंग है। गॉड किंग है, ओके। ये इस दुनिया में 14 बार जन्म, मतलब एक ही इंसान का 14 बार जन्म हुआ है, उसको दलाई लामा बोल देते हैं। उसका जो जिस्म जो है बदली करता है, मगर आत्मा वही है, आत्मा वही है। अभी उसका जो है कैसी उसका रिसर्च करता है जो पैदा होने के बाद, ये सब मैंने आपको दिखाया ना। हाँ, ओके, यूट्यूब पर सारा कुछ पढ़ा है। अगर आपको दलाई लामा के बारे में जानना है तो बेसिकली इनसे मैं पूछ रहा था कि ये तस्वीर क्या है, तो इन्होंने बताया कि हम उनके गार्ड थे एक टाइम पे, बॉडीगार्ड। ये इनकी तस्वीर है, ठीक है, तो आप पहचान सकते हो। और दलाई लामा के बारे में अगर आपको काफ़ी कुछ सर्च करना है, बेसिकली इनका सिग्नेचर भी है दलाई लामा का, उसके ऊपर क्या लिखा है? ये इसमें लिखा है मतलब भविष्य में हम दोबारा मुलाकात हो। ओके, इनकी बेटी है। अगर आप देख रहे हो ब्लॉग को तो आप बेस्ट विशेष आपके लिए बहुत सारी हैं, और ये इनकी प्यारी सी फैमिली है, और ये तिब्बत में बना हुआ एक व्हाइट हाउस, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, पोतोला बोलते हैं, पोतोला, यहाँ पे दलाई लामा जी बैठते हैं। दो सौ बार करते हो डे, एवरी डे मॉर्निंग में? इससे क्या होता है, प्रार्थना भी हो जाता है और अपना एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये हैंडमेड है क्या जो बना रखे हैं? ये सब हैंडमेड। तो जनाब हमने एक नई चीज देखी है, ये जर्मन की करेंसी है बेसिकली, जैसे कि हमारे पैसे बोल देते हैं शायद, ये वैसा ही कुछ है, इस पे इनका ऑफिशियली मार्क लगा हुआ है। ये देखिए जनाब, ये देखिए हैंड फैन है जो कितना ही ब्यूटीफुल है यार, देखिए ऐसे करके ओपन हो जाता है, ये देखिए, और इससे ऐसे हवा ली जाती है। तो चॉपस्टिक यार, एक ऐसे करके मुझे पकड़नी नहीं आती बेसिकली कि कैसे पकड़ी जाती है। तो आज चॉपस्टिक चलानी सीख रहे हैं कि कैसे है। अच्छा आप चलाओ ऐसे करके, ठीक है, और मुझे तो चलानी नहीं आती, मुझे इसको जो नीचे वाली उसको दबा के रखना, पर ऊपर की सिर्फ हिलनी चाहिए यार ये वाली। देखो नई चीज आज मुझे करने के लिए मिली, और चॉपस्टिक इसको बोल देते हैं। तो ये था इनका प्यारा सा लोकल घर, और थैंक यू सो मच आपका, फिर इन फ्यूचर मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। और ये सुपारी की फार्मिंग यहाँ पे होती है मोस्टली, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर जो लिखी हुई वो तिब्बतियन लैंग्वेज लिखी हुई है ये वाली, और नीचे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये वाला एक टेम्पल है, बेसिकली इसको घोम्पा बोल देते हैं तिब्बतियन लैंग्वेज में, और इस साइड काफ़ी इनकी अपनी भाषा में तो मुझे नहीं पता कि जैसे हम बोलते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। इसको बोला जाता है घोम्पा तिब्बतियन लैंग्वेज में। घोम्पा में हम बैठे हैं, जो तिब्बतियन लैंग्वेज में जो मंदिर को घोम्पा बोल देते हैं।
तो आपका नाम क्या है? आपके दलाई लामा कौन होते हैं, ट्रेडिशनल गॉड हैं वो, उनको आप क्या बोलते हो, ये क्या लिखा हुआ है? मुझे आपको पता है ना दलाई लामा का बड़े नेता, हाँ हाँ, हमारा दलाई लामा है ना अभी तिब्बत का सबसे लामा, हेड लामा होता है। ओके। और उसका जैसे अभी अवतार होता है ना अवतार, हाँ, जैसा अभी 14 है, हाँ, ओ 14, हाँ, जैसे 14, जैसे अभी ये मंदिर जो है हमारा ये तिब्बती कॉलोनी का, हाँ, सबका मेन मंदिर ये है, फाइव कैम में 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, जैसे अपना एक कैम में कोई छोटा छोटा मंदिर होता है, लेकिन मेन जो मंदिर है ये हम सबका मंदिर ये है। ये मंदिर बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बड़ा गुरु जी बहुत आ चुका है, जैसे दलाई लामा भी 3 बार यहाँ आ चुका है, ऊपर में जैसे गुरु जी भी यहाँ बैठा था, जैसे ऐसे लामा गुरु जी इससे पहले भी जैसे साजा ठिजिन जैसा हमारा निगमा का होता है, जैसे गजुरमछे, ऐसे लामा गुरु जी बहुत आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तिब्बतियन लैंग्वेज लिखी हुई है ना? हाँ, जैसे ये इसमें लिखा है कि एक नान होता है, नान, हाँ, एक हमारा जैसे लड़का का लामा होता है, हाँ, ये नान के लिए है कि दिन मामला नान है। ओके ओके। उसमें लिखा है जैसे नाबिन उसे, ये लिखा है ये उसे, मतलब उसका होता है कि हमारा गुरु जी जो हमें बीच में बैठा है ना, बैठने का रंगुच्छे लिखा ना, उसमें गुरु जी बैठेगा, और यहाँ में उसे बोलने से उसका जैसे पूजा करने का मैन जो उसका वो। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा। कांजुर तेंजुर है वो, कांजुर तेंजुर क्या चीज होती है? कांजुर तेंजुर वैसे हमारा भगवान का वो। ओके। कांजुर तेंजुर हमारा जैसे तिब्बती होता है तो कांजुर तेंजुर हमेशा चाहिए, पहन रखा है उसको, क्या बोलते हैं? जैसे हमारा इसका कहते हैं हम सेन 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 सेन, और ये तुतुंग तुतुंग, और इसको कहते हैं शंधव शांधव, लामा का ड्रेस है। ओके ओके। दलाई लामा जो थे उनकी ये ट्रेडिशनल ड्रेस बोल सकते हैं। ओके, जैसे अभी दलाई लामा के ये पहन रहे तोंगा बोल गए, तोंगा तो मैंने अभी नहीं लिया वैसे। हाँ हाँ, ठीक है, उसको तोंगा बोलते हैं। तोंगा जो आपने ड्रेसअप पहन रखा है इसको क्या बोलते हैं? छुपा बोलता है। छुपा छुपा छुपा। ओके। और पांगडिन पांगडिन जो मैरिड है ये लगाते हैं। अच्छा, मैरिड ही लगाते हैं, अनमैरिड नहीं लगाते? ओके। और मैरिड ही लगाते हैं, अनमैरिड नहीं लगाते हैं। ओके। और नीचे ये पूरा मतलब पूरा एक ही है ना? ये ऊपर जैसे हमने दो दो डाल रखे हैं, आपका पूरा एक है? हाँ, एक ही है। ओके। ये अलग से होता है, सिर्फ ये अलग से है। ओके, बाकी सेम होता है सब कुछ। नशीदले हाय। तो ये है तिब्बतियन स्टाइल मंदिर और ये इनकी पूजा पाठ चल रही है। वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हम एक हैंडीक्राफ्ट ऑफिस है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इनके सेल किए जाते हैं, तो वहाँ पे आए थे और स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सर से। सर, सत श्री अकाल। ओके, तो ये इनकी लैंग्वेज में नमस्ते करने का स्टाइल है बेसिकली, जैसे हम पंजाब में सत श्री कर देते हैं, तो एक बार आप रिपीट कर दो प्लीज। रशीद दले। और व्हाट इज योर नेम सर? माय नेम इज तेंजिन रापचोर। तेंजिन रापचोर। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचर है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। तो इसके बाद मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो क्या सेल किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच आपका। ये जो हमारा टिबेटन सेटलमेंट है 1975 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ओके। तो यहाँ पे 5 कैम्प है, अलग अलग रखा हुआ है, तो इस पे हर
कि मैं कम से कम लगभग 90 हाउस होल्ड है। 90 हाउसेज वन कैंप इन वन कैंप लगभग 450 से 460 हाउसेज हैं। 3000 टिबेटन पॉपुलेशन है। ओह ये एक टिबेटन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके ओके तो इसके अंदर में एक हैंडीक्राफ्ट है वो इस पे कारपेट वेविंग सेंटर जो बोलते हैं तो इस पे हमारा बहुत सा जो वुमेन है जो स्कूल ड्रॉप आउट है वो यहाँ पे नौकरी दिया जाता है कारपेट वेविंग करते हैं तो हमारा कल्चर भी एक्सप्लोर होता है। इतनी खूबसूरत है ये तिब्बत की जो कैपिटल है कैपिटल सिटी का पोतोला पैलेस। सत श्री अकाल जी। सत दिली। तो यहाँ का सबसे फेमस है हैंडीक्राफ्ट उसको कारपेट जो है तो इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? दो हफ्ते। आप हाथों से पूरा हाथों से बनाते हो? दो हफ्ते लग जाते हैं इसको बनाने में। और इसकी कॉस्ट कितनी अगर सेलिंग करने की कॉस्ट? 26,730। वो इसमें से बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। डिजाइन भी अलग अलग है ना? ओके जैसे कि इसका डिजाइन अलग है इसका अलग है और इसका अलग है इसका। तो क्या बोलते हो आप? इसको फ्रिसु मुंजू। फ्रिसु? फ्रिसु मुंजू। वो जेंट्स था जो लेडीज है इसको क्या बोलते हो? छुपा। छुपा ओके छुपा। जो मैम आपके सामने खड़ी हैं बेसिकली मैरिड है उनकी निशानी ये है कि जो उन्होंने गाउन के ऊपर मतलब एप्रन सा पहन रखा है वो हमेशा मैरिड वुमेन ही पहनती हैं। ओके ये सिंगल पहनेगा तो अनमैरिड हो जाएगा। ओके ये मंक जो होते हैं उनकी ड्रेसअप है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? मुंजू ना। मुंजू मुंजू। और इसको जो हाथ में पकड़ रखा है इसको ये नमजा बोलते हैं। नमजा। और बेल्ट जो पहनते हैं। यहाँ का जो कारपेट है वो वर्ल्ड फेमस है ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने ठीक है इसको ये तीन लेडीज बैठ के बनाती हैं ठीक है एक इस पार्ट को बनाते हैं दूसरे उस पार्ट को तीसरे इस पार्ट को जैसे कि ये बना रहे हैं आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट हैं ये तो पूरे के पूरे ना। ओके इसको कितना टाइम लग जाता है एक को बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? 20 दिन में एक बनता है। ओके 3x6 से इसकी साइज है भाई। रेट कितना है? 8,910। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पेमो। पेमो ओके ठीक है। पहले तो ये ऐसे होता है उसके बाद इसका गोला बनाया जाता है फिर मतलब यूज करेगा ना फिर इसको ऐसे मतलब चरखा जैसे करते हैं लास्ट में फिनिशिंग है। ओके ये फिनिशिंग है फिनिश करने वाला दो आदमी इसको फिनिश करते हैं आखिर में। ओके वहां शोरूम में पहुंचेगा ना। इसका वेट कितना है जो लास्ट टच दे रहे हो आप इसको? ये वाला हां 24 kg का। और इसका रेट क्या है? 26,730। ओके ओके ठीक है तो इसको बनाने में 20 दिन लगभग लग जाते हैं। ये तो इससे ज़्यादा लगेगा। इससे ज़्यादा लगेगा जैसा लगता है एक महीने के करीब लगेगा। तो इसको अभी लास्ट टच दे रहे हैं जैसे कि साइड वगैरह होगी इसको बिल्कुल प्रॉपर कट करेंगे ऊपर से नहीं दिए ना फिर ऐसे कर देंगे पूरा लास्ट टचिंग ऐसा बनेगा। ओके ओके जनाब जी मेरा रूम है यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली बिल्कुल ही प्यारा सा कर्टन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है और यू कैन सी के इस साइड ब्यूटीफुल सीनरी। सत श्री अकाल जी। तो जनाब बेसिकली यहाँ पे तीन तरह के रूम है एक ही कोस्ट 500 है एक की 1000 है और एक की 1200 है। तो तीनों के तीनों अलग अलग इनमें अलग अलग फैसिलिटी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है यार बिल्कुल जैसे कि नेचुरली तरीके से बनाया होता है ना इको फ्रेंडली है बिल्कुल इको फ्रेंडली है बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप जब भी कभी यहाँ पे आते हो स्टे जरूर करके जाना यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी लोकेशन है और बिल्कुल सेफ है बिल्कुल सिक्योर है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे रह के मुझे और इसके बाद मैं आगे का सफ़र जारी करते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए।